प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भवानीपतिं भावगम्यं। ओम नमः शिवाय। शिवपुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। और आजकल हम आनंद ले रहे हैं भगवान शिव के विभिन्न अवतारों की कथाएं जो कि शतरुद्र संहिता में वर्णित है। और आज की कथा में सबसे पहले आप सुनने वाले हैं भगवान शिव के भिक्षुवर्यावतार की कथा। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा सुनाने के बाद नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में हमेशा तत्पर रहते थे, सत्यशील भी थे और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। इसी प्रकार धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदनंतर किसी समय साल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त साल्वदेशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर दैव योग से राजा भी साल्वों के हाथ से मारे गए। उसके बाद उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विवल होकर भाग खड़े हुए। हे मुने, उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे गर्भवती थी, अतः शोक से संतप्त होकर भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर तक रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गईं। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी गुण और लक्षणों से संपन्न था। दैववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी, तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने रानी को अपना ग्रास बना लिया, मतलब रानी को खा लिया। अब वो बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने एक वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते देखा तो निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी, अहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है और इसकी माँ भी नहीं है। पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ दिखाई नहीं देते। क्या कारण हो गया? न जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर ही रही थी, उसी समय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए करुणा निधान भगवान शिव ने हंसकर कहा, हे ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करूंगी, तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। हे भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा निधान शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है।
किसी कर्म दोष से यह इस दुर्वस्था में पड़ा है। इसे भोगकर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित होकर मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु प्रवर शिव ने कहा, हे ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिवभक्त विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को सालवदेशी क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी अत्यंत व्यग्र होकर रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया और सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित होकर सरोवर में उतरी। उसी समय दैववश एक ग्रह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। तब ब्राह्मणी ने भगवान शिव से पूछा, हे भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही सालवदेशी शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्रह ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? ब्राह्मणी के पूछने पर भिक्षुवर्य शिव ने कहा, हे ब्राह्मणी तुम मेरी बात सुनो। इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु कोई और नहीं बल्कि पांड्यराज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। और अब आगे आने वाली लाइनें बड़े ध्यान से सुनिएगा, नियम समझ में आएगा पूजा का भी और पूजा के फल का भी। भगवान शिव कहते हैं, शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया और इसी प्रकार से राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ था। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण, मतलब बीच में ही जो पूजा उसने अधूरी छोड़ी, उसके कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। मतलब उसकी अकाल मृत्यु इस समय में हुई जब सुख भोगने का समय था। और पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है और शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। दरिद्रता मतलब जैसे कि राजकुमार है लेकिन फिर भी जन्म से पहले पिता, जन्म के तुरंत बाद माता और राज्य वगैरह सब कुछ छिन गया, तो वापस ये भिक्षु के घर, भिक्षु ब्राह्मणी के घर ही पलेगा। तो ये एक भारी दरिद्रता हुई क्योंकि धन जन सब कुछ खो दिया, बंधु बांधव माता पिता धन संपत्ति सब कुछ खो दिया जन्म से पहले ही। तो पूर्व जन्म के कर्म का फल बताते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। इसके बाद भगवान शिव ब्राह्मणी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि उसका पुत्र गरीब क्यों पैदा हुआ, इस बारे में बताते हुए कहते हैं, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने अपनी सारी आयु केवल दान लेने में ही बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु अर्थात श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्त वत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने अपना घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथासंभव ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। शांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण होकर वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया, मतलब धन से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए
उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष व्यतीत हो गया। तदनंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था, वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। यह मैंने तुमसे शिव के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। वह पवित्र आख्यान, पापाहारी, परम पावन, चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर इसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। इस कथा को सुनने से एक बात तो हमें समझ में आती है कि कभी भी कोई भी पूजा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। और मान लीजिए कि कोई ऐसा ज़रूरी काम पड़ जाता है आपको कि बीच में आप पूजा पर से उठ जाते हैं, तो जैसे ही वो काम समाप्त करते हैं उसके बाद तुरंत आकर पहले अपनी पूजा पूरी कीजिए, फिर आगे के कार्य कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार पूजा पर से उठ गए तो पूजा अधूरी छोड़कर बाकी के काम में लग जाएं। कथा सुनते वक्त इन सभी बातों का ध्यान रखिए ताकि छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं वो हमसे ना हो सके। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा, उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूँगा, जिन्होंने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया था। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे शैशवावस्था में ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और दैववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से वे बारम्बार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्वी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उच्छवृत्ति से लाए हुए कुछ बीजों को सिल पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे पीने को दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आँखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। हे वत्स, पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आवाहन किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र और पुष्प इत्यादि लेकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक सांब शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। हे मुने, बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती ने शशि का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने जो अघुरास्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वे सब के सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघकर कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ और भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ।
ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश किया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया, साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान भी दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया है। यह अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वर अवतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है और जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक सुनता है या फिर सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव जी के किरातावतार की कथा। किरातावतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा द्वैत वन में दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शक्र विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप करना, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिव जी के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त होना, तदनंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की, फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, हे बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरान नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैत वन में चले गए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। हे प्रियवर, उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंदपूर्वक वहां गए और पांडवों से मनोनुकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। हे मुनीश्वर, इधर अन्न भाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर के समाराधन का आदेश देते हुए कहा, शिवजी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है, इसलिए भुक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। अब अर्जुन पहले दृढ़तापूर्वक शक्र विद्या का जप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उद्यत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहाँ जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठों,
तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि की प्राप्ति होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद देकर तथा शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विक्षोभ का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेकों प्रकार से बारंबार शिवजी की पूजा करते हुए उपासना मार्ग में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए और वे सोचने लगे कि ये यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा, हे देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता है या ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, उन गुप्तचरों के यो कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। हे विप्रवर, इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े होकर पूछने लगे, हे ब्राह्मण, बताइए इस समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे कि वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा, तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदनंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, हे भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमादपूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए। हे परंतप, यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेयस्करी होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव है ही, वे संपत्तियां और फल अर्थात मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में करके इंद्र के उपदेशानुसार शिवजी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। इसके बाद क्या हुआ, किस प्रकार से भगवान शिवजी प्रसन्न हुए, ये सारा वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे, तो कल की कथा भी ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करने के साथ ही शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्त मित्रों के साथ और कुछ शिव भक्तों तक, ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कथाओं के साथ ही सभी व्रत और त्योहारों की और विशेष उपायों की सारी जानकारी समय समय पर दी जाती है, मतलब सही समय पर हर जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और हाँ, कोई प्रश्न हो आपका इस कथा से जुड़ा हुआ या कोई भी जो आपके मन में विचार आते हैं, तो अगर कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे कल की कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।